ओके तो आज हम करने वाले हैं डेटाबेस फंक्शन। डेटाबेस फंक्शन ये आपके डी से स्टार्ट होते हैं। होते कहाँ है देख लेते हैं। विकेट जितने भी फंक्शंस हैं आपके डी से स्टार्ट होते हैं। ओके तो जो वी लुकअप के सिमिलर है हमारा डी गेट है। ये देखते हैं यहाँ पे एक आपको साइट बताता हूँ जो आपके लिए हमेशा यूजफुल रहेगी। टेक ऑन दी नेट एक साइट है, वेबसाइट। इसमें एक्सेल का सेक्शन है। हाँ, इसमें काफी सारे सभी टेक्निकल प्रोडक्ट्स के टैब वाइज दिए हुए हैं। हाँ जी, तो एक्सेल क्वेरी के पे देख रहा था मैंने। फंक्शन आपने देखने हैं तो विंडोज में कैटेगरी वाइज चले जाइए। डब्ल्यू एस कैटेगरी वर्कशीट फंक्शन कैटेगरी वाइज। अब इसमें आपको टेक्स्ट फंक्शन स्ट्रिंग करके मिल जाएंगे, न्यूमेरिक मिल जाएंगे, स्टैटिकल लॉजिकल इंफॉर्मेशन, डेट टाइम, डेटाबेस फंक्शन। ये वाले फंक्शन जो होते हैं हमारे डेटाबेस में यूज होते हैं। किसी भी फंक्शन को आपको देखना है, जैसे हम बात कर रहे हैं डी गेट की, इस पे क्लिक किया। पहली चीज, डेटाबेस के जो फंक्शंस होते हैं वो सेम क्राइटेरिया एक्सेप्ट करते हैं हमेशा। डेटाबेस फील्ड एंड क्राइटेरिया, ये तीन चीजें हमेशा रहेंगी इसमें। ओके और यहां इनको लगाने का तरीका भी दिया हुआ है कि रेफरेंसेस के साथ, टेक्स्ट के साथ, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए, आप किसी आईडी के किसी नाम के बेस में मुझे सिटी फाइंड कोई, पहले मैंने यूनिक नेम ढूंढना है इसमें। चलिए यूनिक आईडी दे देता हूँ एक सबको। अब मेरे पास एक आईडी हो गई। अब मुझे नेम गेट करना है, डी गेट का लगाऊंगा। पहले तो आईडी लिखूंगा कोई, जैसे E0010। यहाँ डी गेट का फंक्शन लगाऊंगा। डेटाबेस कौन सा है मेरा, मेरे को ये सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इनको सिलेक्ट कर दिया मैंने। फील्ड कौन सी रहेगी, फील्ड रहेगी नेम। नेम फाइंड करना है मैंने, नेम फाइंड करना है, ठीक है जी। क्राइटेरिया जो रहेगा वो ये रहेगा, इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे, ओके ठीक है जी। एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। फील्ड ये रही नेम एंड कॉमा, क्राइटेरिया ये रहा। इनको मेरे को हेडिंग के साथ सिलेक्ट करना है, तभी ये रिजल्ट देगा। ओके तो इसने दे दिया। E0010 पे कौन था। अब इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, डेटा को फिक्स कर देता हूँ। और आईडी में जी को फिक्स कर देता हूँ। क्राइटेरिया में जो है क्राइटेरिया को फुल फिक्स, क्राइटेरिया क्राइटेरिया मुझे बदलना पड़ेगा। अगर मैं इसे F9 करता हूँ तो ये कैसे देता है, इस तरीके से देता है। तो यहां से मुझे क्राइटेरिया जो है चेंज करना पड़ेगा। मैं रहेगा इसके अंदर, पहली चीज तो ये ले लूंगा। पहली चीज, अरे ले जाया, रेफरेंस नहीं काउंट कर सकते।
इसको फिक्स कर देता हूँ पहले तो। अगेन ये हट गया, F4। यहां से नेम अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा, नेम, और मुझे क्या करना है, फील्ड चेंज करते रहना है, इसलिए सेम था। फील्ड में मैं कोई वो नहीं लगाऊंगा, रोक नहीं लगाऊंगा, इसकी रो में रोक लगानी मुझे। इसका डेटा आ गया, बाकी देखते हैं औरों का डेटा कैसे देता है। इस पे लगाना ही नहीं चाहिए था आई थिंक, किसको? ये G1 पे। हाँ मेरे ख्याल से तो नहीं लगा। G1 कौन सा है? G1 नेम क्राइटेरिया ये इसे, ये क्राइटेरिया यहाँ चेंज होता रहेगा ना सर। अब देखते हैं क्राइटेरिया कैसे हाँ चेंज होता है। क्राइटेरिया को चेंज करते हैं। बाकी सिंगल तो ऐसे फाइंड होगा आपका, सिंगल तो डिजिट आ जाएगी आपकी, डबल डिजिट का देखते हैं एक बार करके। मैंने भी नहीं किया इसको तो कभी, क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा सिंगल टर्म में पड़ती है। मान लीजिए हमें डबल में भी यूज करना है तो क्या करेंगे। इसको मैं अपलाइन कर देता हूँ। अगर मैं ये कर देता हूँ, ये तो सही चलना चाहिए ना, ये सही तो हुआ है सब जगह। ओके हाँ ये सही हुआ है, पर मेरे ये ख्याल क्राइटेरिया उनका डिनेट से नहीं होगा क्या? नहीं सर, ये उसमें नहीं होता, ये अलग ही चीज है, ये इस तरह से नहीं आएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं आएगा। आप वो एरे का ब्रैकेट आ रहा है शायद, इसमें इस वजह से दिक्कत आ रही नहीं होगी। नहीं नहीं वो वैसा ही था, ये सिंगल पे ही चलेगा, खाली आईडी के साथ इसी तरह से ही चलेगा, सिंगल पे ही। और इसका मेरे ख्याल से क्राइटेरिया है नहीं, ये खाली समरी बनाने के लिए यूज होता है ना। अब देखिए ये हर जगह वही वही यूज हो रही है, C1 to C2, A2 A2, खाली वही यूज हो रहा है, अलग से कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है जी, ये सिंगल वैल्यू के ऊपर बस खाली छोटी मोटी वैल्यू को फाइंड करने के लिए होता है, पूरा वी लुकअप की तरह यूज नहीं कर सकते इसका, क्योंकि इसको हेडिंग भी साथ में सपोर्ट में चाहिए। तो एक तो हो गया हमारा डी गेट फंक्शन। ये रिवर्स काम करता है रिवर्स कैसे? जैसे वी लुक अपनी रिवर्स नहीं काम करता, जैसे ये रिवर्स करेगा। हाँ ये हर तरह में करेगा डी गेट में अब क्या। इसी में आप नेम के ऊपर से एम्प्लॉय कोड निकाल सकते हो, EID निकाल सकते हो क्या, अब ये ये पूछना देखिए, चाहता। ये बेसिकली क्या करते हैं, डी गेट तक हो गया एक वैल्यू लाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जहां सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 50 हो, सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 50 हो, ठीक है जी। इसका क्या करना है, हमें इसकी सेल्स चाहिए संदीप, ठीक है जी। ऊपर वाले को वैसे ही रहने देंगे, यहां ले लेते हैं, यहां पे करेंगे हम डी सम। डी सम में डेटाबेस आया हमारा पूरा। नहीं, मैं आपने क्वेश्चन नहीं समझा मेरा। मुझे ये चाहिए था जो डी गेट फंक्शन में हम लोग EID के बेसिस पे पूरे डिटेल्स निकाल रहे थे, इट्स लाइक अ वी लुकअप। हाँ अब जैसे वी लुकअप हमें लेफ्ट साइड अलाउड नहीं करता लुकअप के लिए, क्या डी गेट अलाउड करता है? डी गेट अलाउड करता है, मतलब क्यों करता है वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि क्राइटेरिया आप इस तरह से चूज करके लेते हैं, क्राइटेरिया कुछ भी ऐसा हो जो यूनिक हो। सपोज मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट कर देता हूं, अब मैं क्या करता हूं इसमें लगा के देख लेता हूं, डी गेट डेटाबेस में मैं इस बार नेम से लेकर EID तक ले लेता हूं, ठीक है जी। फील्ड जो लेनी है मैंने वो नेम लेनी है, क्राइटेरिया जो लेना है मैंने ये EID ऐसे लेनी है, ठीक है जी। अब EID डाल देता हूँ, E0001 आ गया सर।
किसी भी तरह आप समझे नहीं, आप नाम के बेसिस पे ईआईडी दिखाएंगे क्या मुझे? नाम आप के संदीप डाल दो। हाँ नाम के बेसिस पे डाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, नाम यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो ये फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ यूनिक चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ मैंने ये यूज ही नहीं की। आप ये फॉर्मूला देखेंगे जब, तो इसमें मैंने नेम के बाद यही तो लिया है। अब देखिए ब्लू कॉर्नर देखिए, ई आई डी लास्ट में है, तो मैं राइट टू लेफ्ट वैल्यू सर्च कर रहा हूँ नेम, यहाँ पे तो अब तो सही आया ना। हाँ सही है। हाँ तो इसको कर सकते हैं मतलब। दूसरा मैंने करना है कि संदीप का टोटल करना है यार सेल्स ग्रेटर देन 50, वहां का सम चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सम इफ यूज करते हैं, हम डी सम भी कर सकते हैं। डी सम में हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस चूज किया, फील्ड कौन सी करनी है हमें, सेल्स, सेल्स आप चूज कर लीजिए, सेल्स ही निकालनी है। और क्राइटेरिया क्या रहेगा, सेल्स भी निकाल सकते हैं और क्राइटेरिया क्राइटेरिया जो नेम है। क्राइटेरिया क्राइटेरिया मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है सर। ओके ग्रेटर देन 50 है ही नहीं क्या, देखते हैं। अब डाल के पहले फील्ड में डाल के देख लो, 56 कर लो। ग्रेटर लेस देन 50 कर देते हैं, आ रहा है यहाँ 46 है ना। 96 हाँ जी टोटल दिखा रहा है ना ये। आप देखिए अगर मैं ग्रेटर देन लेस देन 50 वाली सेल्स निकालूं, तो ये आ गए मेरे, ये सारे ही लेस देन 50 हैं, इन तीनों का टोटल ओके देखता हूँ तो 96 आ रहा है ना सर। हाँ तो ये क्राइटेरिया कुछ इस तरह से लिए जाते हैं, हेडिंग के साथ जो भी आप डालना चाहें। हाँ ओके ओके सर, अब मान लीजिए दो बंदों का ढूंढना है, मैंने प्रदीप का भी ढूंढना है साथ में, क्राइटेरिया हाँ है लेस देन 50, मैं क्या करूंगा हाँ इस रेंज को बढ़ा दूंगा, ओके ओके हाँ ठीक है सर। मैंने क्या ढूंढना है, प्रदीप है। अब इसमें क्या है, इसको जब सिलेक्ट करूंगा आ गया 230, पर 230 इसमें एक चीज आया, इसने संदीप का क्राइटेरिया तो ले लिया, प्रदीप के लिए इसने क्राइटेरिया कोई नहीं लिया, क्योंकि यहां कोई क्राइटेरिया नहीं था। ठीक है सर, अब ये जब पूरे का दिखा रहा है टोटल, तो संदीप में तो मैंने दिखाया आपको 50 से, अब हम नहीं। हाँ हेलो जी सर, मैंने ये कहा कि मैंने जब ये रेंज बड़ी सिलेक्ट कर ली, अब यहां मैंने दोनों संदीप हाँ प्रदीप ले लिए, तो संदीप का तो मैंने दिखाया कि 50 से अब कोई नहीं था, पर प्रदीप का तो है, हाँ इसका टोटल 230 आ रहा है, यानी कि इसके लिए आपको अलग क्राइटेरिया चाहिए अगर आपको देना है तो। ओके प्रदीप का मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर देन 50 ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए मेरा, ये 67 96 में प्लस माइनस होना होना चाहिए, चाहिए। 96 में 67 और प्लस होना चाहिए, यानी ये नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा, तो ये देख लेते हैं 96 में 67 प्लस होके जाएगा, सही है। ठीक है सर। तो अलग अलग आप क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं एक साथ ही, काफी सारी चीजें, ठीक है जी। बीच में अगर आप सिटी भी डाल देंगे कि पर्टिकुलर इसी सिटी का चाहिए, तो ये उसी उसके हिसाब से इसको क्राइटेरिया बना लेगा। फरीदाबाद का तो कोई फरीदाबाद की स्पेलिंग गलत है, इसलिए इसने सारे ही हटा दी, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है सर। तो ये आपके इन क्राइटेरियाज पे बिहेव करता है।
अब मैं देखिए क्राइटेरिया को और बड़ा भी कर सकता था, जितना मैंने चूज करना है उतना कर सकता हूँ। अब इसमें मैं अगर इनके आईडी डाल दूँ, नेम तो रिपीट है, आईडी और डाल देता हूँ कि जो इस आईडी का है खाली वही चाहिए। ले रहा है नहीं ले रहा, 113 ग्रेटर देन 50 में यही होगा। कोई और आईडी ले लेता हूँ जहाँ लेस देन 50 में यही होगा, 46। ओके इसमें मैंने क्या ले रखा है, ये सही लिया हुआ है, क्राइटेरिया अगर यहाँ से डिलीट कर दूं वहां कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो इस आईडी पे एक ही था, 46 46 ही था। इसमें इस आईडी का क्राइटेरिया लिया नहीं लिया, यहाँ से मुझे क्या करना है, E007 सिलेक्ट करना है, यहाँ से संदीप प्रदीप सब सिलेक्ट करना है, संदीप करना है, प्रदीप करना है, ठीक है। एक क्राइटेरिया तो सही बैठ रहा है, बाकी किसी का नहीं लेना चाहिए, ये होना चाहिए। तो 113 आ रहा है इन्हीं दोनों का टोटल, हाँ ठीक है सर, क्योंकि वो फरीदाबाद सिटी में वही है अकेला। ओके ओके इस तरह से आप मल्टीपल क्राइटेरिया देकर ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो डी सम का फंक्शन है, अब मान लीजिए इसी क्राइटेरिया में मुझे काउंट करने हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है, तो मैं डी काउंट लगा सकता हूँ और बाकी सब चीजें सारी सेम रहेंगी सेम है, मतलब आपका। वही सही हाँ है सब यूज कर सब रहा वही है। अब मैंने क्या करना है, हूँ। काउंट क्या करने हैं, नेम काउंट करने हैं, क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये रहेगा डी काउंट ए है क्या, डी काउंट ए अल्फाबेट्स काउंट कर रहे हैं ना, तो दो एंट्रीज हैं ये काउंट कर रहे हैं। बट इसी जगह अगर हम सेल्स फाउंड कर लेते, मतलब यहाँ जी की जगह I3 कर लेते तो सेल्स की एंट्री हमें बता देता, I1 सेल्स की एंट्री बता रहा है। तो डी काउंट और डी काउंट ए का सारा लगाने का तरीका पैटर्न इसका सेम है सारे फंक्शंस का। डेटाबेस में और कुछ भी एडवांस नहीं है, सारे फंक्शन इसी तरीके से चलते हैं इसके। डी काउंट, हाँ वो तो समझ। हाँ डी मैक्स मैक्सिमम वैल्यू, डी मिन, डी प्रोडक्ट, डी ओके डी प्रोडक्ट भी ठीक है, डेटाबेस प्रोडक्ट, डी VAR और ये VARP क्या है? डी वेर वेरिएंट पता लगाने का है, ये स्टैटिकल में आ जाते हैं फंक्शन सर। स्टैटिक्स तो इतना मेरे को भी नहीं पता स्टैटिक्स में क्या क्या होता है, पर ये डी वेर जो है वेरिएंट से रिलेटेड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंसीज नहीं निकालते, वेरिएंसीज निकालते हैं। डी वेर फंक्शन डेटाबेस रेंज से अप्लाई करती है इसलिए यूज होता है ये, रिटर्न्स द वेरिएंस, वेरिएंस नहीं निकालते वेरिएंस ऑफ अ पॉपुलेशन बेस नंबर और वो, तो वेरिएंस रिटर्न करता है आपको। और एसटीडी वो जो था आपका एसटीडी डेविएशन डी वी स्टैंडर्ड करके, डेविएशन, हाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालने के लिए। मुझे एक्चुअली स्टैटिक्स की नॉलेज नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है इनके बारे में कभी। वारपी क्या है एक्चुअली इनका जो वो है ना, क्या नाम है, फंक्शनैलिटी तो सेम है पर जब तक मुझे उसका वो नहीं मालूम हो कि इसका बेस क्या है, मेरे को इसका कोई यूज नहीं, फंक्शनैलिटी सबकी सेम रहेगी पर। ओके हाँ निकाल के वही देगा उसी क्राइटेरिया, बेसिकली आपके डेटाबेस में से किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर
ये आपका रिजल्ट दे देता है, काउंट भी करता है, एवरेज भी निकालता है, सम भी निकालता है, वो वैल्यू भी निकाल के दे देता है, ठीक है जी। ओके पर डी गेट फंक्शन का एक लिमिटेड यूज है, जब अगर सिंगल वैल्यू आ रही है तभी दिखाएगा, उस क्राइटेरिया पे सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है जी। तो कुछ काम करता है ये, कुछ मतलब ये आपके काम के ऊपर है कि कैसे आप इसको यूज करते हैं। तो ये थे आपके डेटाबेस फंक्शन, सारे इसी तरह से यूज होते हैं। डी एवरेज करना चाहे इसी में ही एवरेज डाल दीजिए, इसमें डेटाबेस फंक्शन में और कुछ है नहीं बताने लायक, सब वही काम है, ठीक है सर। वो तो देख लूंगा मैं। हाँ तो ये हेडिंग्स और क्राइटेरिया के बेस पे वो करता है वर्क, आपको सिलेक्शन ऐसे ही देना पड़ता है, ठीक है जी। बाकी आपको थोड़ा सा अब जब कोई आ नहीं रहा है तो वीलुकअप के बारे में बता देता हूँ। वीलुकअप को मान लीजिए आईडी नहीं है मेरे पास, एक तरह से ऑटोमेट करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे मैं डालूंगा हेल्पर कॉलम। अब मुझे डेटा चाहिए, यहाँ पे मैं नेम डालूंगा और उसका फुल डेटा मेरा आना चाहिए इधर, जो नेम डालूंगा उसका फुल डेटा जितनी वैल्यूज हैं वो यहाँ दिखानी चाहिए। खाली उसी उसी का डेटा आएगा ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जिसका नाम डालूंगा ना, जैसे वी लुकअप क्या करता है कि एक ही सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अब वी लुकअप से मुझे क्या करानी है, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करानी है। ओके मल्टीपल वैल्यू कैसे, जैसे फिल्टर लगा देते हैं ना हम लोग, ऐसे वैल्यू रिटर्न करानी है। मैं क्या करता हूँ, इधर नेम सिटी सेल्स डाल दिया। सबसे पहले तो सबसे आसान काम, मैं काउंट करा लूंगा कि इसकी वैल्यू है कितनी, काउंट ए से, ठीक है जी, काउंट इफ से एक्चुअली, एक कंडीशन के बेस पे कि मान लीजिए ये रेंज है और क्राइटेरिया ये है, ठीक है जी, ये टोटल कितने हैं, इसने दिखाया 7 है, ठीक है जी। अब मुझे एक फॉर्मूला बनाना है, एक सीरियल नंबर और डाल देता हूँ, ये हेल्पिंग रहेगा। सबसे पहले मैंने एक चीज देखनी है कि इसको मुझे यूनिक करना है, तो एक फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट इफ, रेंज में क्या दूंगा, मैं B2 सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ B2, B2 की रेंज और क्राइटेरिया भी B2, बट इसमें मैं फिक्स करूंगा फर्स्ट वाले B2 को, ठीक है जी, रेस्ट को छोड़ दूंगा मैं। अब ये क्या करेगा, हर एक का सीरियल नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है जी। देखिए संदीप एक बार आया तो एक आगे दिखा रहा है, अगर दूसरी बार आएगा तो वहां पे 2 दिखाएगा, जो भी वैल्यू दूसरी बार आएगी वहां 2 दिखाएगा, तीसरी बार आएगा तो 3 दिखाएगा, ठीक है जी। ये कर क्या रहा है, देखिए थोड़ा नीचे बढ़ते जाते हैं, ये रेंज बढ़ती जा रही है। क्या किया था मैंने, इसको फिक्स किया था दूसरे वाले को नहीं, तो दूसरी वाली रेंज बढ़ती जा रही थी। अब इस रेंज में इसी वैल्यू को ये सर्च करता है जिसपे है, अगर उसे ऊपर मिल जाती है तो वहां उसकी काउंटिंग दिखा देगा। अभी ऊपर ये वैल्यू तो है नहीं जिसमें मैं हूं, अभी लक्ष्मी जैसे देखें तो ऊपर तो नहीं है, पर जब हम वापस संदीप पे आ जाते हैं इधर तो ये वैल्यू इसको ऊपर मिल जाती है एक बार, और दूसरी बार यहाँ है ही तो यहाँ 2 दिखा देता है। तो इस तरह से इसका सीरियल नंबर एक जनरेट हो जाता है, हर एक वैल्यू का यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक सीरियल नंबर काउंट कर लेता है। अब मैं क्या करूंगा, कंकेटेनेट कर दूंगा B2 के साथ ही वापस, क्या आएगा, तो ये 1 संदीप, 2 2 संदीप, ऐसे करके दिखाएगा, यानी कि वो वैल्यू इसने यूनिक कर दी। अब यहां अब हम इसमें VLOOKUP यूज कर सकते, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे 1 संदीप लिख के कराऊं तो ये वैल्यू निकल आएगी ना मेरी,
इसको ही फाइंड कराऊं। ठीक है जी, कंकैटिनेट से ही आएगा ना ये। हाँ कंकैटिनेट कर दिया मैंने काउंट इफ के इस फॉर्मूले में। अब क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर जनरेट करवाने हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ जितनी वैल्यू आ रही है ना, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब ज्यादा ना जाए इसके लिए तो हमारे पास इफ का फॉर्मूला होता ही है हमेशा। तो पहला फॉर्मूला इफ, लॉजिकल टेस्ट क्या करेंगे, अगर ये ऊपर वाला नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या दे दे, एक दे दे, अदरवाइज ब्लैंक रहे। ठीक है जी, सिंपल फॉर्मूला। अब मैंने क्या करना है, इसमें एक प्लस करना है। ये करता जाऊंगा, कब तक करूंगा, जब तक ये प्लस की वैल्यू इससे बड़ी ना हो जाए। इक्वल टू जीरो, ओके है जी। तो इसी में इसका फॉर्मूला फिर से लगा दूंगा, इफ ये जो वैल्यू है, इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, ये जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन है इससे तो यहां ब्लैंक कर दे, अदरवाइज इसी को कंटिन्यू रखे। ठीक है जी, फिक्स क्या करना पड़ेगा मुझे, ये ऊपर वाली वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है जी, कर दिया। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया मैंने फॉर्मूला, तो वहां तक तो आ रहा है, बाकी ये एरर एरर आ रही है। ठीक है जी, ये फिर लगा देंगे, क्योंकि ये जो प्लस का जो है वो यहाँ पे इसे नहीं मिल रहा है। अब ब्लैंक से प्लस करेगा तो डेफिनेटली एरर दिखाएगा, तो यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला इफ एरर लगा देता हूँ। इफ एरर, अगर वैल्यू एरर आए तो ब्लैंक कर दे, सिंपल ये करना है। इसको मैंने ड्रैग कर दिया एंड तक। ठीक है जी, ठीक है जी, 6 बार सही चल रहा है। अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो कुछ नहीं दिखा रहा, कोई वैल्यू है तो ये दिखा दे रहा है। ठीक है जी, अब इसका फायदा मैं कैसे उठाऊंगा, वहां वन आगे कंकैटिनेट करके लगा हुआ है, मैं वीलुकअप के साथ इसको कंकैटिनेट कर दूंगा इस वैल्यू के साथ और इसको फिक्स कर दूंगा। यहां मैं किसको फिक्स करूंगा, एच के आगे फिक्स करूंगा। अब जो मेरे पास यूनिक वैल्यू बन के आएगी यहाँ पे, 1 संदीप 2 संदीप, यानी यही वैल्यू जो यहाँ से आने लग जाएगी। ठीक है जी, टेबल एरे सिलेक्ट कर दूंगा, नेम निकालना है तो सेकंड वैल्यू है एंड जीरो, और इसको मैं फिक्स कर दूंगा। ठीक है जी, सावधानी के लिए क्या करेंगे, एक एरर और लगा देंगे अगर एरर आ जाए तो। अब इसको ड्रैग करता हूं, यहां इनके इंडेक्स नंबर चेंज कर देता हूं, 3 और यहां पे 4। ठीक है जी, अब इसको क्या करूंगा, ड्रैग कर दूंगा। ठीक है जी, अब ये मेरे को वैल्यू दिखाने लग गया। अब जिसका भी नाम डालूंगा उसका फुल डेटा यहां दिखा देगा, आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है सर, ओके समझ गया। और क्या कर सकता हूँ, और ऑटोमेट करना है मैंने, अभी भी मेरे को चैन नहीं है तो क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कहीं पेस्ट कर लेता हूँ और इसको रिमूव डाटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इससे इसके डुप्लीकेट खत्म हो जाएंगे। ओके सर, ओ अब ये वैल्यू आ गई, इसको क्या करता हूँ मैं छुपा के एक अलग जगह रख देता हूँ ताकि किसी को दिखाई ना दे। ठीक है जी, यहाँ लगा दिया मैंने, इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, ये दे दिया।
अब यहाँ डेटा वैलिडेशन दे दूंगा, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, यहां से लिस्ट चूज कर लूंगा, सोर्स जो है मेरा ये चूज कर लूंगा। ओके अब वापस इस पे आ जाते हैं, यहां पे जाएंगे, बन गया सर फिल्टर मस्त। ठीक है ना, तो इस मेथड से आप इसको बेशक से हाइड भी कर सकते हैं या ऐसा छोटा कर सकते हैं तो पता ही ना पड़े। अब कुछ भी नहीं मालूम पड़ता कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है जी, जो ऐसी ट्रिक्स लगाते हैं उसको हाइड कर देते हैं या तो छुपा देते हैं ऐसे इधर उधर करके, ताकि सामने किसी को कुछ ना दिखे कि हो क्या रहा है। तो ये था आपका एक सिंगल वी लुकअप का यूज। अब इसमें एक चीज है, ये जो दिखा रहा है हमें टॉप वैल्यूज दिखा रहा है, हम चाहें तो इस फॉर्मूला की जगह टॉप 5, टॉप 10 जितने भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है जी, या ये ले सकते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ टॉप 2 वैल्यूज, टॉप 3 वैल्यूज, टॉप 4 वैल्यूज, टॉप 5 वैल्यूज। तो ये ऊपर की 5 दिखा रहा है, अब मुझे नीचे वाली चाहिए। ठीक है जी, अब नीचे वाली चाहिए, नीचे से वैल्यू चाहिए मुझे। इसमें क्या करूंगा, ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया था इसको रिवर्स कर दूंगा, यहां मैं क्या करूंगा सबसे नीचे चला जाऊंगा। स्क्रीन अपडेट नहीं हो रहा एक्चुअली, स्क्रीन रुक गया है, स्क्रीन रुक रहा है, नेट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हो गया अभी आप थोड़ा सा चेंज हुआ। हाँ आ गया, टॉप 5 दिखा रहे हो क्या? नहीं अब मैं सबसे नीचे आ गया डेटा में, सबसे नीचे आ गया। अब यहाँ जो है इस फॉर्मूला में हल्का सा चेंज करूंगा, ये जो B2 पे अटका हुआ था ना, इसको मैं ले लूंगा B214, मतलब फुल वैल्यू ले लूंगा। अब क्या करूंगा, इधर वाली वैल्यू को फिक्स कर दूंगा, देन इसको ऊपर ले जाऊंगा। अब क्या करेगा, ये नीचे से ऊपर फाइंड करेगा, जो संदीप 1 था यहाँ संदीप 7 आ गया। अब क्या दिखाएगा, ये रिवर्स वैल्यूज दिखाएगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ आया? ये क्या था, ये सॉर्ट किया था क्या आपने अमाउंट उसको? नहीं मैंने सॉर्ट नहीं किया था, ये तो मैं आपको आप कौन से टॉप 5 निकाल रहे हो मतलब समझ नहीं, मतलब टॉप सॉर्टिंग से टॉप नहीं, ऊपर की पहली 5 वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेम। हाँ जी, लगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल निकाल रहे हो। नहीं 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 वो नहीं, कैलकुलेशन वाला टॉप नहीं, उसका तरीका अलग है, उसको भी लगा सकते हैं पर उसका तरीका अलग है, आगे आने वाले टाइम में मैं दिखाऊंगा उस सब चीजों। तो आप यहाँ पे अब लास्ट 5 आ रही है, मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और जो आपके ट्रांजेक्शन कैप्चर कर रहा है, आप लास्ट 5 ट्रांजेक्शन दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट नहीं निकाल देते या, यही या। यही होती है ना सर। ठीक है सर, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका सर। आप इसके हर फॉर्मूले को ध्यान दें, क्या क्या लगाया हुआ मैंने इधर, ठीक है जी, यहाँ क्या लगाया, यहाँ क्या, डेस्कटॉप और बस वो आपकी एक फाइल जो आपने दिखाई थी ना वो प्रोग्राम। ठीक है सर, भेज देता हूँ आपकी आईडी, एक सेकेंड मेरे पास रविंद्र डॉट पूरे